फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार और टेस्टी सब्जी बिल्कुल आसान तरीके से। सब्जी अगर घर पे ना हो तो इस तरीके की सब्जी बना के आप मज़े ले सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को ये टेस्टी और यम्मी सब्जी कैसे बनाएंगे। मैंने लिया है ये बेसन और मसाले में मैंने लिया है ये अदरक, लहसुन और टमाटर, और मैंने एक बड़ा प्याज काट लिया है बारीक। और अब मैं करूंगी इस बेसन में थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी इस बेसन के अकॉर्डिंग, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है हम लोगों को। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़ी सी ऐड करूंगी हल्दी। इसमें मैं ऐड करूंगी करीब 2 चम्मच तेल, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत फटाफट बन जाता है ये सब्जी। और इसमें मैं अब ऐड करूंगी पानी, पानी एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना है फ्रेंड्स, एक साथ में ज़्यादा मत डालिएगा। और इसको अच्छे से गूंद लेना है, एक कड़क सा डो बना लेना है। ये देखिए ये गूंद गया है, अब इसको हम लोग रख देंगे साइड में। और ये जो मसाला था इसको हम लोग मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है, कढ़ाई हम लोग का गर्म हो गया है। और इसमें मैं ऐड करूँगी ये मूंगफली सिंगदाना, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम लोग। अगर ये आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन इसको डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत यम्मी लगेगा आपको, क्योंकि इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब मैं कढ़ाई में ऐड करूंगी तेल, करीब 3 चम्मच के करीब तेल होगा। इसमें ऐड करूंगी राई, थोड़ा सा हींग, और ये जो हम लोगों ने प्याज कट करके रखा था इसको मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हल्का ब्राउन होने तक हम लोग को भूनना है। बहुत यम्मी और टेस्टी सब्जी बन के रेडी होगा। अचानक अगर घर पे कोई मेहमान आ जाए और सब्जी नहीं है तो ये सब्जी उनको बना के खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। ये हम लोग का प्याज बिल्कुल ब्राउन कलर का हो गया है, और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे हम लोग का ये टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और इसको हम लोग तेल छोड़ने तक पकाएंगे। इस तरीके से इसको भून लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मसाले, मसाले में है हल्दी, मिर्ची पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची पाउडर ऐड कीजिए, और धनिया पाउडर डालना है 1 छोटा चम्मच, और इसको हम लोग भूनेंगे अच्छी तरीके से। और इसमें ऐड करना है नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बेसन में नमक ऐड किया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और इसको हम लोग को मीडियम फ्लेम पे भून लेना है ताकि ये तेल छोड़ते हुए। इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसको इस तरीके से भून लेंगे। इसका तेल तो सूखने लग जाएगा, फिर इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे। अगर आप इस सब्जी में गरम पानी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट वो बढ़ जाएगा। मैं इसमें अभी गरम पानी ऐड करने वाली हूँ। जब तक ये मसाला भून रहा है तब तक हम लोग ये जो सिंगदाना था मूंगफली, इसको हम लोग मिक्सर में ड्राई ग्राइंड कर लेंगे। एक बार ऐसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए सिंगदाने को पीस लिया है मैंने, और अब देखते हैं हम लोग की सब्जी। ये देखिए मसाला भून गया है और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे गरम पानी, करीब डेढ़ ग्लास के करीब पानी हम लोग ऐड करेंगे। और इसी में ऐड करेंगे हम लोग ये सिंगदाना। ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया हुआ है और अब इसमें उबाल आने लग गया है। ये हम लोगों ने जो बेसन गूंथ के रखा था, कड़क गूंथना है इसको, नरम नहीं गूंथना है। और ये जो हम लोग पूरी तलते हैं, जो हम लोग का ये रहता है, इसमें लगाऊंगी तेल दोनों साइड और इसी से बनेगी हमारी सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की सब्जी रेडी हो गई है, इसमें अच्छी उबाल आने लग गई है। और अब हम लोग इसमें बेसन का सेव बना के डालेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और ये जो हम लोग का बेसन था इसको इस तरीके से कढ़ाई में करते जाना है। इस तरीके से हम लोग हाथों से करते जाएंगे और ये सेव बन के इसमें गिरता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से ये गिरता जाएगा और बहुत यम्मी सा टेस्टी सा सब्जी बनके रेडी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी जुगाड़ है, जब आपके घर में सब्जी ना हो तो इस तरीके से बेसन की सब्जी बनाइए बिना झंझट के। इस तरीके से मैं पूरे बेसन को कर लूँगी। ये देखिए सब्जी हमारी उबल गई है। ये देखिए ऐसे सेव बनके रेडी हुए हैं और बहुत यम्मी और टेस्टी सब्जी होता है ये। आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा इसको, ये फटाफट बन जाते हैं। अब इसको हम लोग एक मिनट के लिए ढक के उबाल देंगे अच्छे से। एक मिनट हो गया, आप सब्जी को हम लोग खोल के देखते हैं। ये देखिए, और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे धनिया। ये देखिए कटी हुई धनिया, गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। रेडी हो गया सब्जी। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हम लोगों की टेस्टी और यम्मी सब्जी। जब सब्जी घर पे ना हो तो इस ट्रिक को आजमाइए और मजे लीजिए यम्मी सब्जी का। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंजॉय कीजिए इस सब्जी को और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट जुगाड़ के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।